बेटा संदीप जी का चक्का है यहाँ पर। इसे भी मैंने बचपन में सीखा है, जिस तरह से ये स्टेज पे काम करती थी तो देख देख के मैं। बेटा तुम तो बहुत आर्टिस्ट तो जब मैंने करीब 24-25 साल और राधा ऐसी भाई शाम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो के ब्रिज की कहानी हो गई एक भोली भाली काम की गवारी एक भोली भाली गांव की गवारी तो पंडितों की वाणी हो तो उसे बोनस कहते हैं। कृति में लिखे गए जो गीत हैं वो किस तरह से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं कहना की जरूरत नहीं है, प्यास है। मैं कोलंबिया में पढ़ाती थी, पढ़ाते पढ़ाते 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, 2 लाइन में 3 काल आते हैं। और ये न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्सचेंज चेयरमैन है जो आजकल बंबई में शिफ्ट हो गए हैं मेरी तरह। उन्होंने भी जब तक अध्यक्ष का नंबर आता है लोग सुन सुन कर बोर हो चुके होते हैं, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। पहले नंबर मिला है इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा समय ले लूँगा। मुझे लग रहा है कि मुझे इस समय इसलिए दिया गया है कि करुणा शंकर जी नहीं आए हैं, तो जब तक बोला है तब तक बोल नहीं। जाएंगे तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी कभी हमारे जो बड़े लोग हैं हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम बहुत बड़े बन जाते हैं। आपका नाटक है बहुत मशहूर नाटक नादिरा जी करती हैं श्याम रंग, वो किताब की शक्ल में प्रकाशित हो गया है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि छपने से पहले मुझे पढ़ने के लिए दिया जनाब दीदी साथी ने। और बहुत मशहूर नाटक है तुम्हारी अमृता, आप जानते हैं। और एक ऐसी किताब जो भी पढ़ने वाले हैं जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जो भीतर का संसार है वो 10 गुना समृद्ध हो गया है। उस किताब का नाम है रोशनदान। जी हाँ, अपनी बात को खूबसूरत तरीके से कहने का हुनर रखता है आज का ये खूबसूरत डाइस। और जाहिर सी बात है अपनी बात को कहने का हुनर अगर ये मुश्किल काम है तो अच्छी बात को समझना ये उससे भी मुश्किल काम है। मैं एक बार चाहती हूं दो जोरदार तालियां आप सभी सुरी श्रोताओं के लिए। हाँ अश्विनी भाई, ये फोटोग्राफर शायद दोनों है। हाँ तो एक पब्लिक की तरफ देखिए, उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहां रोज मुस्कुराते हैं। करुणा शंकर जी इतने विद्वान हैं कि 1 घंटा 20 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ आप 2 मिनट बोल करके बताइए। करुणा शंकर जी उनका मुझे खिलाना नहलाना सुलाना जगाना सब याद आने लगा, लगा कि काश कुछ हो जाए। जाने कहाँ चली गई है मेरी अम्मा, ढूंढ के वापस ले आए। उम्र से बचपन गया और बचपना भी, लेकिन अम्मा का नाम आते ही रोने को जी करता है। और तब उस दिन मिला हुआ ये थैला मुझे मेरी अम्मा सा सुख देता है, अकेला होते ही उसे छू लेती हूँ। मैं उनकी जागीर थी और अम्मा मेरा खजाना, उनका मुझ पर और मेरा उन पर ताजिंदगी हक होगा, ये थैला मेरी अम्मा ने मुझको। जिस चीज़ों के बीच में हम जिंदा रहते हैं उन सब के बारे में ये कहानी है। और कविताओं के रूप में ये कहानी हमें पूरी दिखाई देती है कि उसका जीवन क्या हुआ। साहित्य आज हम बहुत कठिन शब्दों से जोड़ दिया गया है, हमें लगता है कि साहित्य में बहुत मोटे मोटे शब्द होंगे जिनके हमें मायने के लिए एक हमें डिक्शनरी देखनी होगी कि किस शब्द का अर्थ क्या होगा। ये कविताएं स्पेशली इसलिए लिखी हैं और सहज सरल शब्दों में लिखी है
कि आपको किसी मायने दिखाने की, सोचने की, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे, तो कम से कम हिंदी के पास रहेंगे। किताब विमोचन के टाइम आप इमोशनल हो गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इमोशनल इसलिए हो गई थी कि ये जो किताब है इसका सपना मेरे जीवन साथी ने देखा था, रियाज अहमद उनका नाम, शौहर मेरे पति, वो आज नहीं है।